गोटे क्वेश्चन खाली पचारि एनीवन हैविंग एनी आईडिया अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट कार किछ आईडिया अछि स्क्रीनिंग इफेक्ट ऊपर एनीवन यस सर सर द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके व्हाई देयर विल बी द रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन यस एनीथिंग भूल हो जा ठीक हो को आराम से को एटॉमिक रेडियस टा इंक्रीज करे एटॉमिक रेडियस टा इंक्रीज करे तो व्हेन द एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इट विल डिक्रीज ओके या तो यस ओके देन शील्डिंग इफेक्ट तले कोन हला हमरो एटा तो ठीक कहिलो जे हां न्यूक्लियस भितरे हमर ये रहउछि प्रॉब्लम होछि ठीक है त शील्डिंग इफेक्ट कहिले हम कोन बुझिबा से विषय किछि कहिलन ओके ठीक अछि देखो शील्डिंग इफेक्ट बारे डिस्कस करबा सो वी विल डिस्कस अबाउट योर शील्डिंग इफेक्ट नाउ ओके त पिला माने शील्डिंग इफेक्ट कोन प्रथमे को शील्डिंग माने कोन व्हाट इज द शील्ड शील्ड माने कोन गेट सर रजेश बुझि पाछु त शील्ड माने कोन शील्ड माने कोन यदि हम किसी के इफेक्ट को कवर कर रहे हैं ठीक है तो उसको बोलते हैं शील्डिंग तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट तो ये बेटा शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है ओके मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि आपका प्रोटोन का नंबर ज्यादा होता है तो वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इट विल बी मोर जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कराओ ठीक है क्या मैंने बोला यदि आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो वहां पे आपका न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि हमारे ये तो पता है सबको कि न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन और उसके सराउंडिंग में हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो जितना प्रोटॉन होगा उतना पॉजिटिव चार्ज ओके जितना प्रोटॉन उतना पॉजिटिव चार्ज ओके तो प्रोटॉन रिप्रेजेंट्स योर एटॉमिक नंबर ये तो पता है सबको एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रोटॉन तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन नंबर उतना बढ़ेगा उतना इंक्रीज होगा यदि वहां पे आपका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और इनडायरेक्टली न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज वहां पे इंक्रीज हो रहा है ठीक है अच्छा नेक्स्ट थिंग विद द इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर इंक्रीज होता है द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है यहाँ पे आपका रहा न्यूक्लियस सेंटर में ये मान लो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में आपका होगा अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स तो जितना आपका यहाँ पे जेड इफेक्टिव सॉरी जेड इफेक्टिव मत पकड़ो पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को हम लिख लेते हैं जेड सबस्क्रिप्ट में ई तो इतना आपका प्रोटॉन बढ़ेगा तो उतना आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस के ऊपर जितना आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस के ऊपर देन द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इट आल्सो इंक्रीजेस यस सर ओके तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो मतलब फोर्स जहां पे है वहां पे एनर्जी है वहां पे एनर्जी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ठीक है तो उसी एनर्जी के ऊपर कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि इस अट्रैक्शन फोर्स को इफेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ठीक है कुछ ऐसा चीज होता है जिससे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स होता है वो वेरिएबल हो जाता है कहीं पे घट जाता है कहीं पे इंक्रीज हो जाता है ठीक है सो दैट पर्टिकुलर इफेक्ट ओके उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर हो रहा है आपको यस सर ओके नेक्स्ट चलते हैं अभी आते हैं शील्डिंग इफेक्ट पर्टिकुलरली है क्या अच्छा जैसे मैंने बताया कि शील्डिंग जो होता है दैट इज द जन को लुचेवा जो कहा जाए जन को इफेक्ट को सील कर दबा बुझो जी इनकम्प्लीट करवा तो ताको कहा जाए शील्डिंग
So it is the shielding of the outer shell electrons from the nucleus by the inner shell electrons. कौन कहली? If there is the nucleus, यदि ये रहेला हमारा nucleus, and this is your valence electron and this is your inner shell. यदि एठी मोर valence electron रहेला, एठी मोर inner shell electrons माने रहेला. If there will be the inner shell electrons, and there will be the valence electrons like here. So these inner cell electrons, they will shield the outer cell electron. कौन करिवे outer cell electron को टिके लुचै देबे जद्वारा हमर न्यूक्लियस रे जति के अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन ऊपर पडतला सेटा सेति के पडिबोनी. बुझियाला ना? बुझी पालुनु ब्रजेश्वर? यस सर. शील्डिंग ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड एज योर शील्डिंग इफेक्ट. Because of the shielding effect, the nuclear force that being felt by the outer shell electrons decreases. Jitna amount ka force valence shell electron feel karna chahiye, wo ghat jata hai. Theek hai? Maan lo is nucleus aur electron ke beech, valence electron ke beech, aapka force hona chahiye 10 newton. Lekin ye inner shell electron ke wajah se ye force aapka decrease ho jaage. हो जाता है 8 न्यूटन. लेट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? यदि यहां पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच आपका फोर्स है 10 न्यूटन, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स द फोर्स डिक्रीजेस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द शील्डिंग इफेक्ट. ओके, यदि यहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों नहीं डिक्रीज होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है वैलेंसी सेल में, इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है. ओके, इनडायरेक्टली ये आपके जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर उसको इफेक्ट करता है. इसलिए यहाँ पे हम न्यूक्लियर चार्ज ना बोल के बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जितना न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील कर सकता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, सो दैट जेड इफेक्टिव दैट इज रिप्रेजेंटेड एज जेड इफेक्टिव. Z effective is equal to Z minus sigma. Z effective is equal to Z minus sigma. Okay, sigma को क्या बोलते हैं हम? Shielding constant. Shielding constant. Shielding constant और Slater's constant. सबको समझ में आ रहा है? ब्रजेश्वर, स्पेशली. Yes sir. Shielding constant. So Z effective is equal to Z minus sigma. So this is your shielding constant. Okay. तो ये कांस्टेंट है, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको समझना होगा ये जेड इफेक्टिव को. जो आपका इनर सेल इलेक्ट्रॉन है उसके वजह से जितना आपका अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं होता है, वो घट जाता है. दैट इज कॉल्ड एज योर शील्डिंग इफेक्ट. ओके, यस सर. ओके, नेक्स्ट थिंग. अच्छा, इतना तक समझ में आया ब्रजेश सर? यस सर. यस सर. अच्छा, नेक्स्ट देख. Next, देख कौन है वो? But despite of the shielding of the outer electrons from the nucleus by the inner cell electrons, the attractive force being felt by the outer cell electrons increases with the increase in the nuclear charge. अच्छा बेटा, यदि वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज कैसे इंक्रीज होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है? तो मान लो आपका जेड इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब जेड जो आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है, जेड ई इंक्रीज हो रहा है. जेड ई इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे आपका जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा या नहीं? यस सर. तो जितना जितना आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा वहां पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा. शील्डिंग इफेक्ट होने के वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो है, लेकिन बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है. प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है. तो घट तो रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, लेकिन एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो वहां पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है. That is the thing. Another thing is that वहाँ पे हमने यहाँ पे ऑर्बिट के बारे में बात किया.
कि कौन सा ऑर्बिट इनर सेल ऑर्बिट आउटर सेल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, इनर सेल ऑर्बिट के वजह से वहां पे शील्डिंग होता है, तो ये हमें याद रखना होगा। द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल, उनके ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल। सो इट विल बी एस, ये मैंने ऑलरेडी बताया था सब लोगों को, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका एस सबसेल में आता है तो वो ज्यादा आपको स्क्रीनिंग शो करेगा, ज्यादा आपको शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा than that of your p cell electrons, than that of your d subcell electron and than that of your f subcell electron. तो ऐसे भी हम बोलते हैं कि जो d और f subcell होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, और वहां पे आपका एक स्पेशल कैरेक्टराइजेशन शो होता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। आई थिंक वो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा जब रेडियस को फिर से कवर करूंगा। तो एट दैट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट योर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, दैट लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ये टर्म जो होता है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के वजह से लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है। सो दैट लैंथेनाइड कंट्रैक्शन वी विल कवर दिस इन द रेडियस कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पे आप इतना जान लो कि यहाँ पे यदि एस सबसेल में आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है than that of the p subcell electron, than that of the d and then that of the f subcell electron. Clear? Yes sir. Any doubt? No sir. Okay. आउ किसी doubt अच्छी? No sir. Sir, यही concept की आप कौन खड़े कौन थे लेकि मैंने इस screening effect में discuss करी और चार defective times discuss करी था। कौन है ला उधर को? যে কো জায়গাতে তোমার ইনার সেলে তোমার কো সাবসেলে ইলেকট্রন আছে তো সেই হিসাবে তোমার শিল্ডিং ইফেক্টটা শো করিবো। ওকে, নট কি এ কো চেক করলা তারপর পি কো চেক করিবো। ওকে, তো ইউ হ্যাভ টু চেক দা ইনার সেল তোমার কোটা আছে, এটা শিখাই দিলে ইনার সেল কেম দেখিবো, বাহার যদি এন হলা, বাহার সেলটা যদি এন সেল হলা, দেন ইনার সেল ইজ ইওর সরি এটা যে পূর্ব সেলটা তার রইবো ইট উইল বি এন মাইনাস 1 that is called as the penultimate cell, then n minus 2 and n minus 3 ta purva jo dita cell rahela that is called as the inner cell. Okay, so you have to check like this, so who is your inner subcell and who is your outer subcell, who is your penultimate subcell, like that you have to check it. Okay, so this is your inner, so ye concept bhi sikhe di thili, bahar ta la moro valence cell, then inner ta la tar moro penultimate cell, and n minus 2 n minus 3 jo cell aso that is your inner cell, so like that. क्वेश्चन जो तो डिस्कस करिबा, ए जो डाउट सुडा बाहर होची, ए जो पर्टिकुलर डाउट सो पतला, व्हाट इज योर नेम बेटा, व्हाट इज योर नेम जे पतरला डाउटटा, ब्रजेश्वर नो, ए जो जीव हमर पतरला डाउटटा सर, इप्सिता। अब इप्सिता, इप्सिता बेटा यहां पे आपने जो पूछा यहां पे कि इस तरह से होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का, दो चार क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, तो वहां पे ये डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे थ्योरेटिकली ये डाउट आपका नहीं क्लियर हो रहा है तो वहां पे आपको 5-10 न्यूमेरिकल करवाएंगे तो वहां पे क्लियर होगा सबका। ओके, नेक्स्ट सर, इतने कोड टाइप का क्वेश्चन आसीबो, माने क्वेश्चन में आसी परे कोई परिवेन सेमती। ओके, पर्टिकुलरली तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट ऊपर क्वेश्चन अछि, न्यूमेरिकल अछि, डायरेक्ट पचारी परे स्क्रीनिंग इफेक्ट ऊपर किछटा क्वेश्चन मु देखि छी प्रीवियस ईयर रे, तुम्हारा सिग्मा वैल्यू दे दैथिबो, सिग्मा वैल्यू दे दैथिबो, जेड वैल्यू दे दैथिबो, पचारथिबो जेड इफेक्टिव वैल्यू केते, सो ए वाला भी क्वेश्चन पचारु छी। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग आल्सो, बट मोस्ट प्रोबेबली जो उडा हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स हमें देखिबा, आयोनाइजेशन एनर्जी हो बा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो बा एटॉमिक रेडियस हो, सेही जगह रे पर्टिकुलरली हमें एही कांसेप्ट को यूज करिकि शील्डिंग इफेक्ट रो कांसेप्ट को यूज करिकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रो कांसेप्ट को यूज करिबा, सेही जगह रे हमें पर्टिकुलर ट्रेंड्स उडा को सेही जगह डिस्कस करि परिबा, बुझियौ जी, तो सेति पे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, अदरवाइज तमरो एटु डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पारे किंतु एते क्वेश्चन आसेनी। ओके, तो हमें आशा करिबा जे नो आसीबो, किंतु पर्टिकुलरली पीरियोडिक ट्रेंड उपर क्वेश्चन आसीबो। ओके, गिरिजा, गिरिजा, यस सर, हाँ बाबा पचारो कौन डाउट अच्छी, नहीं,
କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ନା କଣ କେମିତି କୋଉ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତମ ଜୋନର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ତମେ ଡିଜାୟର ରଖିକି ତମେ କାମ କରୁଛ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ନ ହଉଛି ଦେନ୍ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପିକ୍ଟାକୁ ମତେ ପର୍ସନାଲି ତମେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ପକେଇଦବ ନାଁଟା ନୋଟ୍ କରିଦବ ବୁଝିହଉଛି ନାଁଟା ନୋଟ୍ କରିଦବ 1 ଇୟର ବ୍ୟାଚ୍ ଏଇ ପିଲା ତ ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଯଦି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଯେମିତି ଆୟୋନାଇସନ ଏନର୍ଜି ଇପ୍ସିତା କହିଲେ ଆୟୋନାଇସନ ଏନର୍ଜି ମୋର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ତିନିଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆୟୋନାଇସନ ଏନର୍ଜି କନସେପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରାହବ ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ବି ସେଇଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ଇପ୍ସିତା ଆୟୋନାଇସନ ଏନର୍ଜିଟା ମୁଁ କଭର କରେ ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ୟୋର ଡାଉଟ୍ସ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କଲିମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ବେଟା କୋଉ ଡାଉଟ୍ ହେ ନୋ ସାର୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସାହିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାହିଲ ଆସ୍କିଂ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ସାହିଲ ହଁ କହ ସେରିୟମର ଏକ୍ସେପସନ ରିଜିନଟା ସେରିୟମର ଏକ୍ସେପସନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏକ୍ସେପସନ ସେରିୟମର ଏକ୍ସେପସନ କଣ ଓକେ ସୋ ନାଓ ୱି ୱିଲ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ ଦ ଡାଉଟ୍ସ ଅଫ ଏ ପିଲାଟି ଆମର ଯେ ରହିଲା ତାର ହଁ କହ ସେରିୟମର କଣ ରହିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏକ୍ସେପସନ ଅଫ ସେରିୟମ ସାର୍ ଦେଖୁ ଆସୁଛି ଜେନନ ବା ଜେନ ଫାଷ୍ଟ ଜେନନ ହବ ସେ 54 ସେଟା 50 ଜେନନ ହବ 54 ଓକେ ଜେନନ 54 ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥାଉ ଜେନନ 54 ସୋ ଇଟ ୱିଲ ବି 54 ନାଓ ମାଇ ରିମେନିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ୱିଲ ବି 4 ଆଉ ମୋ ପାଖରେ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିଲା 4 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହେ ମେରେ ପାସ୍ ମୁଝେ ଉସ 4 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରନା ହେ ସୋ ଇଏ କୌନ ସା ସିରିଅଲ ନମ୍ବର ପେ ଆତା ହେ ଜେନନ ହିଲିୟମ ନିଅନ ଆର୍ଗନ କ୍ରିପ୍ଟନ ଜେନନ 5 ନମ୍ବର ପେ ସିରିଅଲ ପେ ଜେନନ ଆତା ହେ ତୋ ଓ ଜୋ ନେକ୍ସଟ ବାଲା କନଫିଗରେସନ ହୋଗା ଓ 6s ସେ ଶୁରୁ ହୋଗା ସୋ ୟହାଁ ପେ ଆ ଗୟା ମେରା 6s2 क्लियर 6s2 6s2 के बाद वहां पे कहां पे आएगा ये 6s2 के बाद यस n-2f तो 6-2 दैट इज योर 4f 6s2 4f देन 6s2 4f यस 4f2 ओके 4f2 नेक्स्ट टेल मी वेदर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सेरियम इज लाइक दैट or there will be any exception no sir exception achi acha kon exception exception dwara amar electronic configuration ta kemti change hobo ko sei pila mane kahibe karan samaj jodi eita yar amar doubt achi to anya pila manankar ta eita jodi doubt nai nischay bhabe bujhicho so tell me what is the exceptional electronic configuration in this kon exception hochi eku change kari kon kariba 4f2 ta seta 5d1 or 4f2 sir 4f1 5d1 6s2 acha 4f1 hejibo eta acha thik achi duo kariba 4f1
then 5d1 then 6s2 ए भले होची 4f1 5d1 6s2 ये तो यस थैंक यू ओके सो एटा होची तांकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहूची मोर 4f1 5d1 6s2 ऑल क्लियर ए आछ समस्त जानि जो हमर सेरियम रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ए भले आछी यस सर यस ओके नेक्स्ट थिंग पिला माने ओके नेक्स्ट थिंग देखिबा वर्तमान तो सेरियम टारे हमर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कला 5d रे बुझी पालु गिरिजा सो लास्ट अरे हमर गिरिजा डाउट पद्धति थला तो साहिल साहिल हां साहिल 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 पचार थला ओके देखे तो एठी मोर लास्ट इलेक्ट्रॉन टा एंट्री कला कोडी 5d रे बुझिलु साहिल आज्ञा अच्छा एक्सेप्शन काई गेला एटा मते पचार जो तो आज्ञा अच्छा तो देखे पर्टिकुलरली तो एक्सेप्शन को जदि हमें एक्सप्लेन करबा तो एटा पर्टिकुलरली हमर एनर्जी कांसेप्ट ऑफ व्यू रे ऑलरेडी मोर 6s रे दीटा इलेक्ट्रॉन अछि बुझियला तो 4f रे गोटे हमर दीटा इलेक्ट्रॉन रहबा कथा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रे किंतु गोटे इलेक्ट्रॉन को आनी के हमें डी ऑर्बिटल रे रखु जे डी ऑर्बिटल रे गोटे इलेक्ट्रॉन को रखु जे पर्टिकुलरली बाबा एटा काई के होउची ना जतल तो देखिथिबो हमर जोटा ए ब्लॉक तैयारी होजी सेटा कोन होउची ए ब्लॉक जोटा तैयारी होजी सेदरे सेरियम डा हमर को दरे डी ब्लॉक रे आछी ना ए ब्लॉक रे एलिमेंट रे आछी को ब्लॉक रे एटा आछी हमर सेरियम डा डी ब्लॉक यस डी ब्लॉक रे बुझि होउची डी ब्लॉक रे तो जेहेतु तार इलेक्ट्रॉन डा एथि मोर एफ रे एंट्री करूची ता हमर आसिया कथा कोठी ए ब्लॉक एलिमेंट्स रे किंतु सेरियम टा को हमें डी ब्लॉक एलिमेंट रे कोनुचे ठीक ना नहीं सेरियम टा को हमें डी ब्लॉक एलिमेंट रे कोनुचे तो प्रथम कथा पिला माने एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक भीतर जो ट्रांजिशन थाए से ट्रांजिशन ने तांकर पर्टिकुलरली ए वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ने किछटा एक्सेप्शन शो करे सो दैट इज आल्सो फ्रॉम स्टेबिलिटी कांसेप्ट ऑफ व्यू एटम रो स्टेबिलिटी कांसेप्ट रे हम जे देखिबा किबा एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल कांसेप्ट ऑफ व्यू रे बुझियौची तो पर्टिकुलरली एबोली लक्ष्य करा जाय जे जदी एबोली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होउची देन एटम ऑफ द सेरियम इट विल बी मोर स्टेबल न्यूक्लियस ता तारा मोर स्टेबल हबो जदी एबोली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होउची जदी मोर एटी 4f2 रखथांदी ताले सेरियम डा मोर ए ब्लॉक एलिमेंट हे जैतांदा बट जोटा की मोर होउनी बुझियौची ना नै जेमती आमे सिकिथिले ग्रुप ब्लॉक आ पीरियड कैलकुलेट करिया पई जो इलेक्ट्रॉन डा मोर लास्ट सबसेल एंट्री करे सेही हिसाब रे मोर ब्लॉक ता हुए तो अकॉर्डिंग टू दैट जोटा मोर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहला 4f2 तो अकॉर्डिंग टू दैट जदि तमरो हेतांदा ताले तमरो ए ब्लॉक हेतांदा एलिमेंट दा बट यू आर सेइंग दैट सेरियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बुझौ जी ना नहीं सर तो पर्टिकुलरली सेरियम दा डी ब्लॉक में तो सेट ऑफ व्यू भी हमर ए जगह रे सेति में 5d रे गोटे इलेक्ट्रॉन जाउची तो एटा हमरो जो लांथानम एक्टिनम रहउची पर्टिकुलर डी ब्लॉक ए ब्लॉक भीतर जो पर्टिकुलर से जगह रे जो ट्रांजिशन रहउची से जगह रे एमते एक्सेप्शन शो करउची बुझौ जी तमे एनर्जी कांसेप्ट ऑफ व्यू रे भी हाफ फील्ड फुल फील्ड कहि परिवानी कारण 5d रे हमर गोटे रहउची 4f रे दीटा रहउतला सर सेरियम टा हमर डी ब्लॉक सर सेरियम टा ए ब्लॉक होची सेटा लांथान ऑर्डर जाउची बा अबे डी ब्लॉक कहू जा 50 एफ दैट थिंग जोडा बतन डिस्कस हलानी यू आर ऑल टेलिंग एब दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट 4 डी ब्लॉक हबो ने एटा लांथान ऑर्डर जाउची 50 एटा लांथान ऑर्डर जाउची मु जानि तुम कहि तुम एक्सप्लेन कर छे केउ मु तो कहि के एक्सप्लेन कर छे जाउ एती बळु धरिलो तमे लास्ट को डिस्कस कर साला पर तो हम पछलाइ था ना जेटा ए ब्लॉक एलिमेंट के डी ब्लॉक यू आर ऑल आर सेइंग डी ब्लॉक मु से तो बुझो छी ऑल आर सेइंग डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट ऑन नो नो वन एबे आसी ना तो मैं लाउड को आसीलो जे नहीं सर एटा हो जोटा ए ब्लॉक एलिमेंट नो वन इज सेइंग सर इट इज ए ब्लॉक एलिमेंट सेरियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट के पिला हमर आरंभ कला कहबा तकर तो मु देखु दिली को जगह पिला धरु चंदी नाउ तमे धरलो जे इलेक्ट्रॉन डा हमर एटी जगह ए ब्लॉक एलिमेंट रहउ छी this is 6s2 4 what is that girija sorry amara ye sahil a block element eta seriam are a block element to yes sir seriam ru lutetium tor jota rahuchi that is your first series f series or lanthanide series ebe jae bujilo so who is telling this is a d block element मु बिसेरा करूथिली तमे जोडा मते कहिला 5d1 हे जाउ g4f2 दिस इज द एक्सेप्शन मुजरा तुम करूथिली म
ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲା ଧରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଇକି ଜଣେ ପିଲା ଧରିଲା ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ର ଆରେ ତୋର ଏକ୍ସେପସନ ଏଇଟା ଥିଲା ସାହିଲ ଏକ୍ସେପସନ ସେରିୟମ ର ତୋର ଏକ୍ସେପସନ ଏମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ କହିଥିଲି ସେରିୟମ ରେ ସେଥିରେ ତୋର 5D1 ହଉଥିଲା ନା ସେଥିରେ ତୋର ଲାନ୍ଥାନମ ପାଇଁ 57 ପାଇଁ କୁହା ହେଇଥିଲା 5D1 ହବ ବୋଲି ସାର୍ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଇଏଟା କହିଥିଲେ କନଫିଗରେସନ ଫର ଅପ ଟୁ 6 ସେରିୟମ ଇଜ୍ ୟୋର 58 ଆଟମିକ ନମ୍ବର 58 ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଜେନନ 54 6s2 4f2 ଜେନେରାଲ କନେ ବି ଏତିକି ହବ ବାସ ଆ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସେପସନ କରିକି ସେରିୟମ ରେ କିଛି କହିଥିଲେ କି ଏଡି 6s2 4f1 5 ନୋ ସାର ନୋ ସାର କହିଥିଲା ନୋ ସାର ନା ସାର ଆ କୁଆ ତୈ ନଥିଲା ତମେ ମନ ରୁ ମନ କରିକି ନା ମତେ କହୁଛ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିସ୍କସ କରି ଚଲେଇଛି ସାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିନର କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା ଏଟା ଲାନ୍ଥାନମ ପରେ ସେରିୟମ ର କୁଆ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ସେପସନ ଲାନ୍ଥାନମ ରେ କୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଲାନ୍ଥାନମ ରେ ଯୋଉଟା ତମର 57 ଆଟମିକ ଥିମର ନମ୍ବର ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜେନନ 6s2 4f ବଦଳରେ ସେଟା 5d1 ହଉଥିଲା 5d1 ହଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଡି ବ୍ଲକ ରେ ପଚାରୁଛ ଆର କ୍ଲାସ ରେ ମତେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରିଲା ଆମର ଏଇ ବୋଧେ ତୁ ବୋଧେ ପଚାରୁଥିଲୁ ସାହିଲ ଯେ କାହିଁକି ସାର ଲାନ୍ଥାନମଟାକୁ ଆମେ ଡି ବ୍ଲକ ନା ଏ ବ୍ଲକ ରେ ନେବା ତ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ତୋର ଲାନ୍ଥାନମ ରେ କୋଉଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲା ଅଲ୍ ଆର୍ ସିଂ ଜଷ୍ଟ ମତଲବ ସେରିୟମ ଇଜ୍ ଏ ଡି ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ବି 6s2 4f1 5d1 ମୁଁ ବୁଝଉଛି ବି ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଜଣେ ଧରିଲା ଯେ ନାଇଁ ସାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏତେ ଯଦି ତମକୁ କରିକି ଆମେ କହିବା ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି 24-25 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ 5 to 6 ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଡୁଇଂ କ୍ଲାସ ଫ୍ରମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବାର 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 ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେଣି ବଟ୍ ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଏଇଟା ତ ସିମ୍ପଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଟା 5-10 ଜିନିଷ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିକି ଆସିବ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ସେରିୟମ ଟା ଡି ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି ଅନେକ ତା ଦେହରେ ଆଗ୍ରି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ରେ ସରିବା ବେଳକୁ ଡିସ୍କସନ ନା ସାର ଏଇଟା ଏ ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲାନ୍ଥାନମ ଟା ଯୋଉ ତମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଲାନ୍ଥାନମ ର ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ ସାହିଲ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଅଫ ଲାନ୍ଥାନମ 57 ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ କ'ଣ ହବ ତାର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ୱିଦାଉଟ ଏକ୍ସେପସନ ଜେନନ 54 6s2 4f1 ବଟ୍ ହଉଛି କ'ଣ ଯେହେତୁ 4f ରେ ତୋର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତୋର ଭାଲେନ୍ସି ସେଲ ହେଲା 6 ତାପରେ ଆସିବା କଥା 5 ତାପରେ ଆସିବା କଥା 4 ତ ଏଠି ତୋର 6 ରେ 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକିନା 4f ରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହୁଛି ଆକୋର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୋର ଆବଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆକୋର୍ଡିଂ ଟୁ ଆବଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ଆସିକି 4f ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ବଟ୍ ଏକ୍ସେପସନ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏୟା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟାକୁ ସିଏ 4f ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରେଇକିନା ସିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି 5d ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଯେହେତୁ 6 ପାଖରେ 5 ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଆବଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ 5d ଅର୍ବାଇଟାଲ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ହେଇଯାଉଛି 6s2 5d1 ଏବଂ ଯେହେତୁ ତୋର ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ଏଠି ଡି ସବସେଲ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ସୋ ୟୁ ଆର୍ କନସିଡରିଂ ଲାନ୍ଥାନମ ଆଜ୍ ଏ ଡି ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ତୋର ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟା ଏଠି ଡି ସବସେଲ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ସୋ ୟୁ ଆର୍ କନସିଡରିଂ ଦ ଲାନ୍ଥାନମ ଆଜ୍ ଏ ଡି ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆରେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ଏବେ କହିଲୁ ସେରିୟମ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲୁ 58 ସେରିୟମ ର ଆମର ରହିଲା ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ 58 କଣ ହେଲା ତାର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଜେନନ 54 6s2 4f2 ଏହା ହବ ନୋ ଏକ୍ସେପସନ ଇଜ ଦେୟାର ନୂଆ ଜିନିଷ କଲି ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଏକ୍ସେପସନ ବୋଲି କହୁଛ ଏ ଜାଗାରେ
यस अच्छी की जिन्नवाज़ जिन्नवाज़ अच्छी साहिल की जिन्नवाज़ जिन्नवाज़ अच्छी की सर जिन्नवाज़ नहीं कौनो कौन अच्छी को स्टार्ट अभी तो वाला के किच्ची नहीं स्टार्ट खाली माने जैसे इलेक्ट्रिक कॉन्फ्यूशन है तो माने जो वाला स्टार्ट दीजिए सेटा ला एक्सेप्शन अच्छी ये डाला एक्सेप्शन जेहे जा जेहे तो लांथानम पॉल है तो फेरियम का सर इधर लांथानम वाला जाओ जो एक्सेप्शन दीजिए और सेटा पे एक्सेप्शन डी रे वाला नहीं कि डी ब्लॉक सर डी ब्लॉक रे गोला नहीं लांथानम वाला वाला बोले सेटा ला एक्सेप्शन अच्छा और दैट इज द एक्सेप्शन नहीं माने कौन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्यूजन बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है कि जी प्रॉब्लम नहीं काहे की प्रॉब्लम नहीं तते जोड़ा सिखा जाय छी टू कैलकुलेट द ब्लॉक ऑफ पीरियड एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू दैट कोनो तोड़ा जो सिखाई थला को ब्लॉक रे केमदी कैलकुलेट करिवो लास्ट इलेक्ट्रॉन तोर हां का सर आपन जो काली डाक्टले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो डाक्टले सब ब्लॉक पई जेतरे जो लिखाई जी ए ब्लॉक में लिखाई जी n minus 2f 1 to 15 हां तापर लिखाई जी n minus 1 0 to 1 n sorry n minus 1 d 0 to 1 हां और n minus 2 पूर्व क्लास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट इज व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट n माइनस 2f n माइनस 2f 1 टू 14 देन n minus 1d n minus 1d 0 to 1 ns2 ns2 okay then tor bartan doubt ko baba chalo start karo ko sir ei hisab re pokela to 5d1 pau 4f1 emidi general electronic configuration mane taku nei pokeibu na kono सेति में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मु कहिथिलि केमदि पक्का हो कहिथिलि मु किछ त मु देथिलि एग्जांपल मु क्लास रे n - 2 n - 1 एमदि पके कि त मु देखैथिलि कि नै सर यू आर डूइंग ऑन योर ओन वे निजो इच्छा रे निजे जेमदि पारिया सेमदि करिवा एटा त मु जो दिया जाय छी n - 1 d 0 to 1 ता माने अर्थ कोन समस्तम पाखरे 0 रु 1 भीतर गोटे इलेक्ट्रॉन रहबा दरकार ना कोन ए ब्लॉक रो जो सब एलिमेंट गुडा को रहिला सेमानकर किछिटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाय छी जे डी सबसेल रे आइदर 0 इलेक्ट्रॉन थाए किमा गोटे इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली किंतु मैक्सिमम तमार एफ रे कोन होए 1 रु आरंभ करी 14 पर्यंत तमार इलेक्ट्रॉन भरी हेकी चले सेहिति पई तमार ए ब्लॉक रे 14 टा एलिमेंट देखौ छी 1 रु आरंभ करी 14 पर्यंत तमार इलेक्ट्रॉन भरी हेई चले ता माने कोन n - 1 डी रे भी इलेक्ट्रॉन 0 रु 1 रहिबो पर्टिकुलरली किछिटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाय छी जे n - 1 डी सबसेल रे केतरा जगह रे 0 रहू छी मूलरो इलेक्ट्रॉन रहूनी किमा जदी भी रहू छी गोटे इलेक्ट्रॉन रहू छी तो सेति पई तार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाकू गोटे छांचो बना गला जे को भीतर रहू छी n - 2f 1 रु 14 भीतर इलेक्ट्रॉन रहू छी n - 1 डी 0 रु 1 भीतर रहू छी ns2 रहू छी सो दिस इज द कांसेप्ट एटार अर्थ नो जे नै किना हमें सेही जगह रे पुट करिक n रो वैल्यू पुट करिक हमें देखि दबा जे एन वैल्यू माने कर 5 देछि सो 5 माइनस सॉरी 6 दे देला 6 माइनस 2 हे गला हमर 4f सो 4f 1 रु 14 देन दे देला इथि मोर 6 माइनस 1 हे गला हमर 5 5d 0 रु 1 देन 86s2 दैट इज नॉट सेम तो नो एटा होजी गोटे प्रकार जो कहंती छांच जे ए समस्तंगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए भलिया होबो सिमिलर टू दैट सेति पे समस्तंगर गोटे सिमिलैरिटी हिसाब रे हम गोटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तयारी करले जोटो का हमें कहू जे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एई भलिया आसीबो तो तार अर्थ नो जे तमे नै त पुट करिवो एन वैल्यू पुट करिक तमे आबेले रखिवो दैट इज नथिंग जो जिंस कह जो छी ताको फॉलो करो एड साइड करो ना सॉरी सर नै सॉरी नै बाबा एटा तोरो 5 मार तोरो माइनस हे जइबो बुझि परछु ना नै अगेन आ गोटे मैडम पिला माने बहुत बडो मिस्टेक हला को जगह रे ना त माने सेरियम टा जो मतन म कहूतिले एक्सप्लेन करूतिले आफ्टर सम टाइम बाखा बाकी 5 मिनट 10 मिनट पर स्टूडेंट्स आर सेइंग सर दिस इज ए ब्लॉक एलिमेंट जो जगह रे ऑलरेडी कुआ जाई जे सेरियम रो आरंभ करी ल्यूटेरियम पर्यंत होउ छी तमर ए ब्लॉक एलिमेंट 58 रो आरंभ करी 71 पर्यंत बट स्टिल स्टूडेंट्स सर मुझा को सेतर समान एग्री
Again, some are saying, sir, electronic configuration will be 5D1, 4F1. Same thing, which class class is there? Okay, MD college is there. Chrome is there, 5D1, 4F1. Code is there? Chrome is there, electronic configuration. Chrome means? Browser. Browser, Chrome browser, you have electronic configuration, 5D1 and 4F1. Again. ताले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टा तोरो जो दी अच्छा पिला माने ठीक अच्छी व्हाट इज योर नेम बेटा सत्यरंजन सिंह सत्यरंजन बेटा ठीक अच्छी सो योर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर सेरियम इज कोयला ज़ेनॉन 6S2 4F1 एंड 5D1 या तो ओके योर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू व्हिच सब सेल 5D So that means the element should be in which block? D block. But the element is present in which block? F. How? Anyone? No one. Okay. So this is the general electronic configuration. Cerium ra mon rakhibo xenon 6s2 4f2. Okay, this is your general electronic configuration 4f2. Then after that, jem tamar electronic configuration body chalibo tamar a block re, so it will be 4f3, then 4f4, like this it will go on. Okay, after that gadolinium re tamar gote exception achi, se jagare tam sathe discuss kar deithili gadolinium re 63 porjanta jibo. बुझो जी 58 रो आरंभ होबो 63 पर्यंत जीवो 64 रे तमार एक्सेप्शन अछि गैडोलिनियम रे बुझियला सो क्रोम रे देइथौ तू किंतु एटा मन रख जेनन 6s2 4f2 हबो त आइया ओके नेक्स्ट पिला माने हमरो साई साई ना हमरो पिला टी ना कोन साहिल 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 आउ पचर पचारो आई एम वेटिंग अन्य पिला मानकर अछि आगु जीबा जल्दी जल्दी पचार सर गैडोलिनियम रो थरे कोन गैडोलिनियम ओके वेट वेट आई कॉलिंग जस्ट वेट आई एम जस्ट डीलिंग विद साहिल साहिल टेल नहीं सर मोर आउट आपने क्लियर सर आउ सबर करो नांदी तो करो नांदी तो नाइस सर जति कि मु जेबेटु क्लास करछि ता भितरा को डाउट नै आका आ आगु को सान को ऊपर एलिगेशन लागिबन त सर डाउट हले त पछारिबि ना बस डाउट हले पछारिबु बुझियो जे ना नै इंस्टेंटली डाउट क्लियर हवा दरकार ओके जेमदि रहिबन जे नै सर डाउट ता को स्किप करी चली गले दैट थिंग शुड बी नॉट देयर ओके जो दिन से जो 20 टा ना देनु थले 11 टा देथले करिबे को एटॉमिक नंबर ठीक है सर अच्छा हां ता पर दिन आपण टोटल क्लास से 11 टा जंग बुझैले हां तो सेही दिन आपण लांथा नंबर से जेमर भी कोन कहिथिले मु आधा आधा लिखि छी मु सेही पे आपण को बहुत डाउट तर पचाली अच्छा तोर क्लियर हे गला तो क्लियर हला तो बुझि पालु तो आज्ञा सर नाउ कोन डाउट अछि नाइ सर ओके जहां डाउट आसीबो तू बाबा गोटे काम करिवु समस्त गोटे दे दिया गला क्लास पूर्व जो दिन मुझे कही ना डाउट सेसन अच्छे कि कौन अच्छी ना गोटे ये गोटे इनिशिएशन करवा पर्टिकुलर केमिस्ट्री क्लास पर डाउट थी तुम्हें नेक्स्ट क्लास हूँ तुम साढ़े एगारटा तो तुम गोटे दिन पूरा 24 आवर टाइम पाइल 24 आवर तुम 10 मिनट टाइम लगे टाइप करने तो गोटे टाइप कर खाली तुम ना हिसाब से तुम पकई दो सर टूडेज क्लास ये जिनसा बुझी पार्लुन तो नेक्स्ट क्लास मुझे प्लानिंग करी कारण पे प्लान कर पड़े बुझी पार्टा ना नहीं कारण तुम दि वर्ष कोर्स को आमको बुझे कि एमसीक्यू डिस्कस करार अच्छे अगेन दिस इयर जो मैंने सब एंट्रेंस प्रिपेयर पे आसी तुम 7 मंथ टाइम अच्छी समस्त जाच बुझे ना नहीं बर्ष जेहतु एग्जाम लेट है तो आम पाखे 7 मंथ रु 8 मंथ टाइम अच्छी तो ताकि आमको टोटाल कोर्स को कम्प्लीट कर डाउट सहित विथ तुम एक्सप्लेनेसन सहित एमसीक्यू डिस्कस करार अच्छी तो से गोटे पर्टिकुलर प्लान रही है कौ जिनटा के पढ़ा हे बुझे जमी आज तुम मुझे प्लान करी डाउट क्लीयरिंग करवा सब पिला गोटे पचार देखिए कौन सब डाउट रोच बुझीगला तो से जिनटा कौन कर जो दिन पर जो दिन क्लास डाउट आम से दिन क्लीयर करवा क्लास मन कर आज क्लास है आज तो किसी है पढ़ा है मन कर क्लास पढ़ेली आफ्टर द क्लास तुम नेक्स्ट क्लास पूर्व
खाली गोटे ग्रुप रे पोस्ट कर दबे सर आज क्लास जिनसा डाउट रहा आम क्लीयर हम तो नेक्ट क्लास पढ़ेला बेलू से प्लान करदेवी से डाउट टाइम कौ जगह क्लीयर कराइले टाइम टाइम मैनेज हो पार भल रिनसा साहिल बेटर हम ताले कहार जदी डाउट की भवन हेल्प करिवे कह सर जो आपण जो सु पढेले शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिव चार्ज सु नोट नोट ओटे दे परिवे सर मन जो नोट सुडा दरकार ना सु लेखाई तो ठीक अछि नोट्स मिलि जीवो हला इवनिंग सुदा मु नोट शेयर करले चलिबो तो आगे सर ओके जदी नोट शेयर न होला तोरी काम रहला तोड खाली पके दो सर केमिस्ट्री नोट क्वेश्चन मार्क ओके जदी न गला ओके ब्रजेश्वर किछ कहउछु नो सर एड लेड स्टेटमेंट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हां इन द सेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर हां यस अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रो मो एटा क्लियर कर दे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन ए सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर यार अर्थ कोन जदि तोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू एन दे दे जे माने कर एन देला केते 1 एन 1 माने के सेल एन 1 माने ला के सेल तो एटा जदि न्यूक्लियस रहिला एटा जदि मोर के सेल रहिला ताहले एई सेल रे मैक्सिमम केतेटा इलेक्ट्रॉन रही पारिबो सेटा जानिया पई तोर फार्मूला दिया गला 2n स्क्वायर तो एटी 2n जगह रे 1 रे बुझिले बस सर बुझिले क्लियर आउ गोटे पचार यस सर आउ कोन छ पचार नहीं सर आउ नहीं ओके बेटा नेक्स्ट कॉलम योर गैडोलिनियम यस सर गैडोलिनियम व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गैडोलिनियम 64 64 सो कौन से नंबर के बीच में ये आ रहा है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन ज़ेनॉन और रेडन ज़ेनॉन और रेडन के बीच में ज़ेनॉन लिख लो बेटा 54 बन गया है यहां पे नेक्स्ट कहां पे आएगा 6s पे तो C2H6 2 देन 4f 8 हो रहा है 54 देन इट इज 10 सो इट इज योर 64 सो यहां पे आ रहा है 6s2 4f8 तो बेटा यहां पे f पे आपका कितना ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल्स आर देयर So that means if one electron will present in each orbital, then total there will be 7 electrons. That is the half filled state. Okay. लेकिन यहाँ पे आपका 7 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है ठीक है तो यदि यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो 4f सबसेल से तो वहां पे आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही अचीव कर जाएगा ठीक है तो 4f से इलेक्ट्रॉन निकाल के लोगे कहां पे इसके पास वाले सेल पे तो इसका पास वाला सेल कौन है 5d है तो यहां पे आपसे 4f से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 5d में एंट्री कर लेता है सो 4f7 देन 5d1 क्लियर कलीम सर लेकिन लास्ट तो डी से चला जाऊं छी पीरियड तो ब्लॉक तो डी है बाबू था अच्छा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री किया तो गैडोलिनियम को क्यों हम ए ब्लॉक में लेते हैं गैडोलिनियम जा रहा है ना ए ब्लॉक में यस सर ओके तो ये बेटा थोड़ा वहां पे भी एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का ठीक है तो वहां पे तो जा रहा है लेकिन जो जनरल रूल हमने बताया है तो उसी के हिसाब से डी ब्लॉक में ना जाके ए ब्लॉक में जाता है नहीं ओके लेकिन आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में एंट्री कर रहा है बेटा यहाँ पे जब हम डी ब्लॉक पढ़ाएंगे आपको वहां पे आप देखना गैडोलिनियम का प्रॉपर्टी जो होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है आपके डी ब्लॉक के साथ ओके वहां पे आप देखोगे जब पढ़ाएंगे इसके प्रॉपर्टीज को वहां पे आपका प्रॉपर्टीज भी आप देखोगे जो आपका डी ब्लॉक्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स उसके प्रॉपर्टी के साथ बहुत ही सिमिलरिटी रहता है यहाँ पे और सब एफ ब्लॉक के एलिमेंट से कंपेरिजन में ठीक है तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन से भी और हमने जो जनरल बताया था उसमें से भी यहाँ पे आपका गैडोलिनियम जो है वहां पे थोड़ा यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है
नॉर्मल से थोड़ा ये बैक चल रहा है, जो आपका होना चाहिए नहीं हो रहा है इसके लिए, पर्टिकुलरली दिस एलिमेंट टोटल पीरियोडिक टेबल में गैडोलिनियम। और गैडोलिनियम ही आपका क्वेश्चन आया है जेई मेंस पे और नीट पे भी आई थिंक। ओके, गैडो जो भी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछता है वो गैडोलिनियम से पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि यही है एक इलेक्ट्रॉनिक का पीरियोडिक टेबल में यही आपका एक्सेप्शन है जो कि नॉर्मल रूल में आता नहीं है। ओके, बेटा आपका डाउट बोल रहे थे, बोलो। क्लियर हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसलिए थोड़ा डाउट। अच्छा, बच्चों, अच्छा बच्चों के बीच में क्लियर हो गया, यही डाउट था क्या? नहीं सर, वो पीरियड और ग्रुप निकालने का डाउट था। अच्छा, पीरियड और ब्लॉक और ग्रुप निकालने का डाउट था। ओके ठीक है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं किस किस का और एक डाउट है। सुकन्या? ना सर, कुछ डाउट। ओके, सुब्रम ज्योति? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, सब आएगा सर, वही सेरियम वाला थोड़ा था तो हो गया। हाँ, ये वाला आ सकता है बेटा, पीरियड और ग्रुप और ब्लॉक यदि पूछा जाए तो निकाल सकते हो। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज योर शुभप्रिया। नो डाउट बेटा? नो सर। ओके, थोड़ा पढ़ाई करो, डाउट कैसे नहीं निकलेगा, डाउट तो निकलना चाहिए, करो। सोनाली? यस सर। एनीथिंग, एनी डाउट? नो सर। नो डाउट। सरस्वती? यस सर। एनी डाउट बेटा? सर पूछो, नेक्स्ट में भी डाउट होगा, लेकिन इस क्लास पर्टिकुलरली एक घंटा चला गया डाउट में, तो वहां में मैं सोच रहा हूँ तो जिस जिसका अभी तक का डाउट है उसको क्लियर हो जाए, ठीक है। सरस्वती, एनी डाउट? नथिंग। ओके, सस्मिता? थैंक यू सर। एनी डाउट बेटा? नो सर। रुद्र? रुद्र नारायण साहू? यस सर। एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके, लेकिन ब्लॉक ग्रुप और पीरियड समस्त बाहर करी परिबो एक्सेप्ट श्वेता, बिकॉज़ श्वेता का वो डाउट है। और किस किस का डाउट है वो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने का? नो वन, सो ऑल कैन डू दैट। हाँ संतोष, संतोष बस सर, डी ब्लॉक वाला मतलब डी वाले में थोड़ा डाउट है, बस थोड़ा ये वाले में थोड़ा डाउट है संतो, ये हमारा पीरियड और ब्लॉक और ग्रुप निकालने में सर डी वाले में डाउट हो रहा है, बाकी एसपी में निकाले सर डी वाले में थोड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा, डी वाले में थोड़ा डाउट है। ओके, राजीव? हाँ सर। बेटा और कुछ में डाउट है क्या? हाँ सर, पीरियड ग्रुप बात है। अच्छा, उसमें डाउट है। अच्छा, संकेतिका? यस सर। एनी डाउट बेटा? नो सर, नहीं बोला। ओके, रुद्र? रुद्र प्रताप राउत? यस सर। एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके, सो ब्रजेश्वर? बेटा बुझे सर नंबर पचारे तोर लास्ट नंबर पचारे हेला, ठीक अछि। ओके, नेक्स्ट जीबा, किंतु तू एटा मते बुझेइबु, तो एटा हमर पीरियड केमदी ग्रुप केमदी बाहरिबो, तू सेटा मते गोटे एटॉमिक नंबर देबी, तू मते कहिबु हबो त? यस सर। कारण पिला मानको डाउटा निजे हमर ओल्ड स्टूडेंट क्लियर करिवो जे करिछि क्लास, तो तते गोटे एटॉमिक नंबर दिया गला 42, लेट द एटॉमिक नंबर इज 42, फाइंड आउट द ग्रुप एट नंबर पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। वन मिनट टाइम, सो यू हैव टू फाइंड आउट। जो मानो डाउट अछि वेट करो, हमर एटा ब्रजेश्वर करूछि, तापर आमे करिबा। जो मानो गस्ती समस्त करो।
ऑल डू दैट सर यस सर हला की सर डी ब्लॉक पीरियड 5 डी ब्लॉक पीरियड 5 ग्रुप 6 ग्रुप 6 ग्रुप 6 ग्रुप 6 ग्रुप 6 डी ब्लॉक पीरियड 5 एक्सप्लेन फर्स्ट फर्स्ट फाइंड आउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियड एक्सप्लेन करो पीरियड को कैसे निकाले आपने पीरियड पीरियड यस सर Yes. सर बैलेंसी सेल जोड़ा है जिसे पीरियड हाँ मैंने पहचान तो ना कौन जो मते नहीं सर बैलेंसी सेल फाइव पे अच्छे से डाला पीरियड हाँ फर्स्ट कहो एटॉमिक पिलांग को कहो जिस सर हमें आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुआ लेखा मुगल एमडी कोई दिली लेखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन मते क्रिप्टन 36 फाइव एस टू फोर डी फोर आई नो क्रिप्टन 36 फोर एस टू फाइव डी फोर 5S2 5D4 5S2 5D4 5S2 4D4 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 5S2
सर ए एक्सेप्शन अच्छा हैला एक्सेप्शन हे गला नेक्स्ट हां चल ब्रजेश सर कंटिन्यू सर तपरे ब्लॉक पीरियड पीरियड कहो पिलांग आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पिला बाहर करले नेक्स्ट तपरे पीरियड हां पीरियड कहो हां पीरियड ए पीरियड हैला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रे वैलेंस हैलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 सर जे माने 5 हो अच्छा ओके स्टूडेंट सी हियर सो हु इज द वैलेंस सेल हियर who is entering keeping the last electron kaha pagare eta valence cell eti ke kaam korchu tamaro 5s is your valence cell bahar wala cell jo hai wo 5s hai beta to isliye jo valence cell hai usi ke hisab se aapka quantum number hoga according to Brajesh sir to yahan pe aapka quantum number 5 hai to isliye aapka period ho gaya 5 okay to period hamara nikal gaya beta ha Brajesh sir continue for your block block mein continue karo सर ब्लॉक और डी ब्लॉक व्हाई बेटा एक्सप्लेन कर दो थोड़ा लास्ट सर माने लास्ट इलेक्ट्रॉन टा जो पसला जो सब जो सेल डी डी सब सेल अच्छा लास्ट इलेक्ट्रॉन हां इधर में डाला डी ब्लॉक ओके सो बेटा यहां पे आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है वो 4d में एंट्री कर रहा है ठीक है क्योंकि आपका 4d 54 है यहां पे 5s1 4d 54 आए तो यहाँ पे आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4d में एंट्री कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जिस सबसेल में एंट्री करता है उसी के हिसाब से आपका ब्लॉक होता है तो इसलिए यहाँ पे आपका ब्लॉक मिल गया डी ब्लॉक ओके नेक्स्ट गो फॉर ग्रुप सर डी ब्लॉक पे ग्रुप बाहर करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी प्लस एन एक्स सबसेल ओके नेक्स्ट सर एन माइनस वन डी रहला 5 और एन एक्स रहला 1 5 प्लस 1 इक्वल 6 इज इक्वल ग्रुप ओके तो ग्रुप यहाँ पे मिल गया आपको 6 ओके सो एवरीवन जो मैंने आपको एटॉमिक नंबर दिया था 42 जो जो चीज अपना ब्रजेश सर ने निकाला उसी चीज आपका आ रहा है थोड़ा देख लो आपका उसी चीज उस चीज में आ रहा है यस सर 42 पीरियड नंबर 5 हाँ डी ब्लॉक एंड योर ग्रुप नंबर 6 ओके तो क्लियर हुआ बेटा okay. किसी ने मुझे पूछा था पर्टिकुलरली डी ब्लॉक में तो डी ब्लॉक का ही मैंने एक एटॉमिक नंबर दे दिया और ब्रजेश सर ने खुद करके दिखाया तो यू आर सेइंग यस सर दिस इज करेक्ट बिकॉज़ पीरियोडिक टेबल में वो वाला जो एलिमेंट है वो वही पोजीशन पे आ रहा है ठीक है
So what is the number? What is the name of that element? Atomic number is 42. Yes. Molybdenum. 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 Mo. Okay. Atomic number 42. Okay. Molybdenum, जो कि आपका D block में आता है. ठीक है. So all mute yourself. I will just मैं उसको थोड़ा स्टेप देता हूँ सब बच्चों को थोड़ा कॉन्सेप्ट उसको दिखा लेता हूँ सब म्यूट हो जाओ एक बार मैं बोल लेता हूँ जिस जिसका ये डाउट था फिर से नोट कर लो बेटा जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो आपको कोई एटॉमिक नंबर दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख लो ठीक है विथ रेस्पेक्ट टू योर एक्सेप्शन ऑल्सो एक्सेप्शन को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा देन पीरियड निकालना पड़ेगा पहले आपको पीरियड कैसे निकालोगे पीरियड ऑफ द एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंसी सेल मान लो आपका लास्ट सेल है एस ठीक है लास्ट सेल आपका एंट्री कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी सेल जो है आपका वो हो गया आपका एनएस तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है तो उसी के हिसाब से आपका पीरियड नंबर होगा जो वैलेंसी सेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू योर पीरियड पीरियड निकाल लिया हमने नेक्स्ट हम चलेंगे ब्लॉक निकालने के लिए ब्लॉक कैसे निकालोगे आप block of the element it is predicted on the basis of the subcell which receives the last electron jo aapka subcell jo iska last electron ko le raha hai usi ke hisab se aapka block ka name hota hai jaise ki yahan pe humne dekha last electron yahan pe 5d mein entry le raha tha are 5d mein ya 3d mein kis mein le raha tha 3d mein 5d mein acha jo bhi ho jo d mein sir 4d mein jo d bhi ho acha theek hai 4d mein तो यहाँ पे डी सबसेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा था इसलिए आपने यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट बना लिया तो इसीलिए द पीरियड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इट इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सबसेल व्हिच रिसीव्स योर लास्ट इलेक्ट्रॉन ये बन गया आपका ब्लॉक उसके बाद आप निकालोगे ग्रुप ग्रुप के लिए आपको तीन याद रखना होगा तीन फॉर्मूला पर्टिकुलरली फॉर योर एस ब्लॉक देन योर पी ब्लॉक देन योर डी ब्लॉक यदि आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में आता है यदि आपका एलिमेंट यहाँ पे एस ब्लॉक में आता है then your period number is equal to what number of valency electron number of valency electron यदि आपका s block में आपका element आता है तो वहां पे आपका valency electron जितना होगा that will be your group number similarly for your p block element यदि वहां पे आपका p block में आपका element आता है so that means here your group number is equal to 10 plus total number of valency electron 10 plus total number of वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये आपका पी ब्लॉक के लिए है यदि आपका एलिमेंट पी ब्लॉक में आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन करना होगा ठीक है उसी के हिसाब से यदि आपका डी ब्लॉक में आता है जो हमने अभी अभी किया डी ब्लॉक के लिए आपका क्या होता है डी ब्लॉक के लिए आपका क्या होता है एन माइनस वन डी पे आपका इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी पे जितना इलेक्ट्रॉन है प्लस एन एस में जितना आपका इलेक्ट्रॉन है दोनों को एड करना है जितना होगा दैट विल रिप्रेजेंट योर ग्रुप नंबर इन योर डी ब्लॉक क्लियर क्लियर है यस सर श्वेता यस सर जो जिस जिस लोगों का ये डाउट था संतोष श्वेता यस सर ओके नाउ आई एम गिविंग यू लास्ट वन एलिमेंट ये तो हमने एक डी ब्लॉक का एक बना लिया अभी हम बनाएंगे एक एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 11 दिस हैज टू बी डन बाय संतोष Santosh, please solve it. You have 1 minute. Tell me what I have to do. Tell me, I will write on the whiteboard, virtual whiteboard. Santosh, yes, sir. What I have to sir, do first? First electronic configuration करेंगे sir. Okay, तो electronic configuration निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पे? Neon 3s1. Yes one. Neon 3s1. This is your electronic configuration. अच्छा, next चलाओ. अभी पीरियड कैसे निकालें पीरियड ऑफ द एलिमेंट वैलेंसी सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सर जो होगा ओके वैलेंसी सेल बेटा यहाँ पे कौन है 3s1 उसका उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 तो क्या होगा आपका पीरियड यहाँ पे क्या होगा 3 पीरियड बन गया आपका 3 नेक्स्ट चलो ब्लॉक में ब्लॉक कौन सा होगा सर एस ब्लॉक एस ब्लॉक क्यों सर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है
लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका एस ब्लॉक में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका बन गया एस ब्लॉक। ओके, ब्लॉक बन गया हमारा एस। अभी हमें बताना है ग्रुप, ग्रुप बताओ कौन सा होगा। ग्रुप सर वन। क्यों, एक्सप्लेन सर। एस ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वही उसका ग्रुप नंबर रहेगा सर। ओके, तो यहाँ पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वन, यहाँ पे वन है, तो इसीलिए आपका ग्रुप वन। कौन सा एलिमेंट है ये, कौन सा एलिमेंट है ये सर? सोडियम। सोडियम, तो सोडियम का ये सब चीज आ रहा है, चेक कर लो। यस सर। ओके श्वेता बेटा, क्लियर? क्लियर है? ओके नेक्स्ट चले। ओके, तो आई थिंक सबका डाउट क्लियर, अभी तक जो भी पढ़ाया गया है सबका डाउट क्लियर है। यस सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस सर। मुझे भी तो बाबू जी भी प्रोफेसर वेट कर, लास्ट को तो क्वेश्चन तो कोई जो मन मन अच्छे मुझे भी। ओके ठीक है, तो आई थिंक सबका डाउट क्लियर एक्सेप्ट ब्रजेश्वर। ब्रजेश्वर का एक लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। प्रिंसिपल 2p2 और 2s2 आ चुकी, सो कोटा वैलेंस है। एक एक करके बोलो। हां कलीम, कलीम आई थिंक कलीम बोल रहा था। हां बोलो कलीम सर। फ्लोरीन, फ्लोरीन कॉन्फिगरेशन आ चुकी 2s2 और 2p2 2p5, सो कोटा होगा हमारा। कलीम वेट, ब्रजेश्वर, साहिल एंड सत्यरंजन प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। यस कलीम टेल सर। फ्लोरीन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p5 होची, सो कोटा हमारो वैलेंस में गेट का करो। वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन रहा है? हीलियम 2s2 2p5। अच्छा हां हो गया। नेक्स्ट, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5+2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5+2। हां एटम को थिल मैंने मैंने बोथ ने वन मैं डेटा जा करो ने वन बुझी पालेनी रो। कलीम रो जोटा डाउट रहिला फ्लोरीन ऊपर डाउट अछि। ओके सो टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन? 9। सो इफ आई विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन व्हाट इट विल बी? हीलियम 2 2s2 2p5। हीलियम 2s2 2p5। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारा डाउट क्या होगा हमें सर? सर मतलब ओनली वन सेल इज देयर ना, टू नहीं, यहां पे दो एस है टू पी है ना, दो से बैलेंस सेल यहां पे। यस सेल बोल रहा हूं मैं, सेल। सो टू होता है ना, सेल कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो 1 2 3 से, तो इसीलिए आपका जो बैलेंस सेल है वो तो 2s और 2p होगा ना। यस सर। यस हां, s और p जो आप देख रहे हो वो होता है आपका सब सेल ए, और 2s और जो 2p होता है वो होता है बैलेंस सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा 5+2 7, सो 10+7 इज इक्वल टू 17। ग्रुप नंबर 17 पे आता है या नहीं हैलोजन में? यस सर। ओके नेक्स्ट ब्रजेश्वर, तो डाउट को टाइम लाने जीबा। ब्रजेश्वर एक्सेप्ट ब्रजेश्वर, ऑल म्यूट योरसेल्फ। यस टेल सर। देजी गोटे क्वेश्चन दे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम? ए एन इज इक्वल टू 4 देछि, आ एम एस जोटा स्पिन क्वांटम नंबर देछि माइनस आर, त माइनस आर का काई देछि ए एन इज इक्वल टू माइनस आर का स्पिन क्वांटम नंबर ए सेई थ्रू माने किछ लिंक अछि माने भारी पई इलेक्ट्रॉन। अच्छा मते खाली क्वेश्चन आउ थरे कहिलु, हां को गोटे गोटे लाइन मते को कोन कोन गिवन देछि मते खाली कहिलु, त खाली गिवन देछि ए एन इज इक्वल टू 4 आ एम एक्स इज इक्वल टू माइनस आर। N is equal to 4 and MS spin quantum number is equal to minus half. Minus half. अच्छा next. इतनी देज. अच्छा तबरे question कौन पहचाला तो ते? How many electrons in an atom? How many electrons there are inside the atom? कितना electron है आपके पास atom के अंदर? Yes sir. अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपका N दे दिया गया है 4. तो n 4 मतलब आपका n सेल है आपका। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन देई छी ना, तू अरेंज करी के आनी छी ना? देई छी सर।
देजी अच्छा n इज इक्वल टू 4 दे दीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दे दिया है वो पूछ रहा है एटम के अंदर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है ठीक है यही पूछ रहा है ना एटम्स के अंदर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है तो आप उसे कैसे निकालोगे हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन योर प्रिंसिपल क्वांटम 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर कैसे निकालोगे मतलब एक पर्टिकुलर सेल में आपका 2n स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आपका 4 है तो 2 into 4 का स्क्वायर सो इट इज इक्वल टू 16 into 2 दैट इज इक्वल टू योर 32 इलेक्ट्रॉन्स अच्छा ये आपका n सेल में है इलेक्ट्रॉन का नंबर 32 इलेक्ट्रॉन yes, sir. लेकिन यहां से कैसे पता चलेगा कि तेरा बेटा यहां पे n सेल में तेरा 32 इलेक्ट्रॉन है या नहीं वो तो नहीं पता चलेगा अच्छा एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन n दिया गया है 4 स्पिन क्वांटम नंबर दिया गया है -1/2 तो स्पिन क्वांटम नंबर से ये पता लग रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर है -1/2 तो यहां से मुझे ये डाटा मिल रहा है और वो मुझे दिया है n इज इक्वल टू 4 अच्छा क्वेश्चन ना पढ़ लो टोटल कौन क्वेश्चन देख करो सर जी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हां मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर यस सर अब तो फॉलोइंग क्वांटम नंबर कौन इलेक्ट्रॉन संख्या बाहर कर छू তারপরে n = 3 রে কতটা ইলেকট্রন আছে সেটা জানা নাই 2 রে কতটা ইলেকট্রন সেটা জানা নাই আরে তার n আছে যদি 4 তাহলে 4 রে আছে কতটা ইলেকট্রন যদি সেইটা আমাকে জানা থাকতা তাহলে মু জানি থাকতাম যে n = 1 2 3 এগুলা আমার ফুলফিলড আছে যদি মোর n = 4 যদি ওস্তার ভ্যালেন্স সেল তার মানে যদি 4 ভ্যালেন্স সেল যদি মোর 8টা ইলেকট্রন আছে 32টা ইলেকট্রন যদি 8টা ইলেকট্রন আছে তার মানে মোর যেটা ভিতর সেল রইলা k সেল l সেল m সেল সেগুলা নিশ্চিত ভাবে ফুলফিলড আছেন্তি তারপরে তো যাই কি এন সেল আমার ফিল হচ্ছে তার মানে কে সেল এ মোর দুইটা ইলেকট্রন রইব 2 ইনটু 1 স্কয়ার ফরম্যাট রে এল সেল এ মোর 2 ইনটু 2 র স্কয়ার ফরম্যাট রে 18টা ইলেকট্রন রইব এম সেল এ মোর 2 ইনটু 3 র স্কয়ার ফরম্যাট রে 18টা ইলেকট্রন রইব 28টা ইলেকট্রন হই গলা বাকি তুই যদি মতে কইতাম যে 4 সেল রে মোর ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে মনে কর 8টা তাহলে মু সেই জায়গায় তোকে কইতাম যে 28 প্লাস 8 ইজ ইকুয়াল টু 36 হচ্ছে তোর অ্যাটম রে ইলেকট্রন সংখ্যা কিন্তু দ্যাট ইজ নট কোশ্চেন কোশ্চেন তোতে দেইছি n = 4 ms = -1/2 দেন ইউ হ্যাভ টু চুজ ওয়ান দ্য ওয়ান সেট অফ দ্য কোয়ান্টাম নাম্বার হুইচ ইজ পসিবল সো আই হ্যাভ টু সি দ্য অপশন সো দ্যাট উই ক্যান চেক ওকে এস স্যার কোশ্চেন বুঝলি তো তো কোশ্চেন নবি আনসার দেই দিলি তো কোশ্চেন নবি আনসার দেই দিলি যদি তোর অ্যাটমিক নাম্বার যদি মনে কর n 4 দেই দেইছি আউ এমএস যদি -1/2 দেইছি তাহলে তো তে পচালা অ্যাটম রে কতটা ইলেকট্রন আছে তাহলে সেটিবে তো আউ গটে ডাটা দরকার কোন ডাটা দরকার n = 4 রে তোর নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কতে ভ্যালেন্স সেল রে তোর ইলেকট্রন সংখ্যা কতে সেটি কি জানি দেলা পরে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন অ্যান অ্যাটম যোটা কি তোর কোশ্চেন নহ কিন্তু কোশ্চেন যদি এমতি যদি তোতে তো যে মতে পচালো অ্যাটম রে সার ইলেকট্রন কেমতি জানিবা যদি এইটা দেই দেলা তাহলে জানি দেব বুঝিলু এস স্যার क्वेश्चनটা যে করিছো সে क्वेश्चनটা পচাতি কোয়ান্টাম নাম্বার কোটা পসিবল হবে বুঝিলু সে পচালে যে কতটা অ্যাটম রে ইলেকট্রন কতটা হবে তো সেটা क्वेश्चनটা কোন আসিল না কোন করি পারলু নি না স্যার সে যে এমএস কাই মান মাইনাস আউ কাই দেইছি আরে এমএস তো যে ইলেকট্রন যেবা দেইছি তাতে আমার কোয়ান্টাম নাম্বার মানে কোন ইলেকট্রন অ্যাড্রেস ইলেকট্রন ঠিকানা কোন ইলেকট্রন ঠিকানা মানে কোন কো সেল রে হব কো সব সেল রে রইব কো অরবিটাল রে রইব এবং তার স্পিনটা কোন হব को एंगल से स्पिन करजी क्लॉकवाइज करूची ना एंटी क्लॉकवाइज बस तते सेति किसे दे दे छी इन्फॉर्मेशन सीधा क्वेश्चन देबा कथा दे दे छी तू ताको यूज करले कर नल नहीं क्वेश्चन कोन एमि थाए कि जहां दे छी सब यूज करिय पड़िवो बुझिलु त आ गया
क्वेश्चन ना ग्रुप रे शेयर कर लो अभी का तमरो 1 ईयर ग्रुप रे क्वेश्चन ना शेयर करो फोटो ओके सर आंसर कर ही दो चंदी ओके यस सर संगे संगे शेयर करबू हेला करिक रहिबुनु ग्रुप रे संगे संगे क्वेश्चन ना पक्का हेलो यस सर ओके बुझी पालो समस्त मु वर्तमान क्लास एंड करि परबी कि जे समस्त डाउट क्लियर अछि कार किछि डाउट अछि आज जाय जति पढाइ छी ता भितरे एनीथिंग कार डाउट किछि अछि सर मो जोड क्लास करि से जाय भितर नै अच्छा ठीक अछि साहिल तारोडे अलगा अंदाज रे आंसर देला ओके वेरी गुड हला तो जोडी जहां डाउट हबो नेक्स्ट क्लास जदि हबो गोटे एटा में इनिशिएटिव करबा क्लास फोर रे नेक्स्ट क्लास पूर्वरु तमे तमर नेम सहित जदि किछि डाउट थाय ताकु पोस्ट कर दबो मु ताकु नेक्स्ट क्लास ना केमिस्ट्री रे जो थ्योरी ता पठि देबे कोडा जोडा आपण कहिथिलि कोडा कहिथिलु कहिलु ए कहिथिलि सर जो इलेक्ट्रिक सॉरी सर न्यूक्लियर चार्ज रेटा हां असे गोडा आपण कहिथिले ना तो वॉइस कटु जी हेलो हां का सर जो आपण कहिथिले जो कोवलेंट रेडियो तो फील्डिंग इफेक्ट जो बेटा थ्योरी बडा के ओके हां असे गोडा कहि नथली आपण किछ पूर्व पूर्वरु आजी क्लास रे सर कहि नथली आपण आपण कहले हम पठेई देबे आ नोट्स दरकार तो हां नोट्स नोट्स ठीक कथा बस असे सर मिलबो ओके ठीक अछि ता छोडा आउ किछ प्रॉब्लम अछि आजी क्लास जाय केमिस्ट्री रे जा पढाई छी आजी तो सर सब क्लियर हे गेला ओके हेला भलो हेला आउ कोन आउ बाहर करो क्वेश्चन करो सब शेयर करो सब ग्रुप रे करिवा दो इफ सीता एनीथिंग कुछ बोल रही हो क्या सर मोर जो